अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे शख्स की हम कहानी बताने जा रहे हैं जो 300 किलो का था, उसका ताल्लुक अमेरिका से था और उस शख्स ने 165 किलो अपना वज़न कम कर लिया। दोस्तों, ये बात है वाशिंगटन की, अमरीकी रियासत में। एक शख्स ने 4 सालों में, एक यहाँ पर आपको एक बात बड़ी गौर करनी पड़ेगी दोस्तों, 4 सालों में, ना कि 4 महीनों में, जो कि हमें लोग शॉर्टकट बताते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वज़न कम कर लें। याद रखें, जितना जल्दी वज़न आप कम करेंगे उतना आपको नुकसानदेह होगा। वो उस शख्स ने 4 सालों में 165 किलो से ज़्यादा अपना वज़न कम कर लिया। दोस्तों, अब ये हुआ कैसे, इसकी भी आपको हम कहानी सुनाते हैं। इसने ये वज़न डॉक्टर के रिमार्क्स पे किया और डॉक्टर उन्हें क्या कहते थे कि भाई वो टिकिंग टाइम बम है, यानी कि टिक टॉक टिक टॉक, इस तरीके से आप समझ लें कि ये एक टाइम बम बन चुका है और ये ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहेगा। तो ज़ाहिर है, जब किसी को आप ये कहेंगे और ख़ास तौर पे कोई डॉक्टर अगर ये कह दे कि आप ज़िंदा नहीं रहेंगे कुछ अरसे तक, तो ये एक बहुत ही परेशानी वाला मामला बन जाता है और फिर इंसान उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता है। अब आपको बताते हैं, जब डॉक्टर ने उन्हें यह कहा कि आप बिल्कुल 3 से 4 साल ज़िंदा रहेंगे और इसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी, तो फिर निकोलस क्राफ्ट, जो कि उस शख्स का नाम है, उसने अपना वज़न कम करने का सफ़र 2019 में शुरू किया और अभी 2023 चल रहा है, तो आप देख लें कि 4 साल उन्हें लग गए। तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने थोड़ी सी डाइटिंग स्टार्ट की, वो भी डॉक्टर के कहने पे, क्योंकि डाइटिंग हमेशा प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। और आपको बताते हैं कि पहले महीने के अंदर ही उनका जो वज़न था वो 18 किलो कम हो गया। दोस्तों, 18 किलो इज़ नॉट अ जोक, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, वो भी पहले महीने में, क्योंकि जब इंसान पहले महीने में काम करता है तो उसका जो बॉडी होती है वो इस चीज़ की आदी नहीं होती और बहुत मुश्किल होता है उसको, लेकिन फिर भी उन्होंने 18 किलो अपना वज़न कम किया। निकोलस क्राफ्ट ने यह भी बताया कि बचपन से उन्हें खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से खा खा के उनकी सेहत ख़राब हो गई, फिर उन्हें डिप्रेशन रहने लग गया। और वो कहते हैं जब उन्हें डिप्रेशन होता था तो वो सिर्फ यही काम करते थे, खाते थे बस, जिसकी वजह से उनका वज़न इतना बढ़ गया कि अल्लाह माफ़ करे, वो जो बसें होती हैं या नॉर्मल रूटीन वर्क, जो कोई भी आप किसी गाड़ी में जाते हैं वो वहाँ पर भी नहीं बैठ सकते थे। तो फिर बहरहाल, जैसे ही डॉक्टर ने उन्हें बताया कि भाई आप 2-4 सालों में जाने वाले हैं, तो फिर उन्होंने अपनी डाइटिंग, प्रॉपर जिम, हर चीज़ स्टार्ट की और 4 सालों के अंदर इतना ज़्यादा उन्होंने अपना वज़न कम कर लिया। और जो उनकी बीमारियां थीं सारी, घुटनों में दर्द, सांस लेने की तकलीफ़, सब वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वज़न चीज़ ही ऐसी है, जब बढ़ती है तो आप बस यूँ समझे कि जिंदा लाश बन जाते हैं। तो इन दी एंड यही कहना चाहूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। ये लोगों का सिर्फ माइंड में होता है कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप करना चाहें तो अपना वज़न या कोई भी आपको मसला हो, सब कुछ आप कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।